नमस्कार, आप देख रहे हैं टीजीएन 24 और मैं श्रुति दुबे। भारत में मंदिर तो अनेक हैं, पर अविश्वसनीय, अकल्पनीय एवं प्राचीन मंदिरों में से एक है विष्णुवरा मंदिर। जी हां, आज हम आपको प्राचीन विष्णुवरा मंदिर की खोज दिखाएंगे। अपने न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे विशेष संवाददाता द्वारा प्राचीन विष्णुवरा मंदिर के पड़ताल की गई। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज हम आपको एक ऐसे प्राचीन मंदिर के दर्शन करा रहे हैं जो कि पूरे भारत वर्ष में एकमात्र ऐसा स्थल है। हम आपको बता दें, यहाँ के मंदिर में स्थित भगवान विष्णुवरा की प्रतिमा आदित्य स्थापित है। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश में जिला जबलपुर से लगभग 45 किलोमीटर दूर मझौली नगर भगवान विष्णुवरा की प्रतिमा स्थित है। वैसे भगवान विष्णु के विश्व में अनेक मंदिर प्रसिद्ध हैं, लेकिन वारह अवतार रूप की यह प्रतिमा अत्यंत दुर्लभ पत्थर से निर्मित है और एक अद्वितीय उत्कृष्ट वैभव कलाकृति से अलंकृत 11वीं शताब्दी में काले रंग के पत्थर से निर्मित है। वही इस प्राचीन मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों की पौराणिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यह प्रतिमा मझौली नगर के समीप शंकरगढ़ कॉलोनी नरीला के तालाब में एक धीमर को मछली पकड़ने के दौरान उसके जाल में आ गई थी। उस समय प्रतिमा लघु आकार में थी और समय के साथ साथ प्रतिमा धीरे धीरे बढ़कर विशाल रूप में विस्तृत हो गई। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी भक्त दर्शन करने आते हैं, उनके दर्शन करने मात्र से ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र पटेल। मध्य प्रदेश में प्राचीन स्थल तो बहुत हैं, पर हम आ पहुंचे हैं मझौली क्षेत्र में। यहां पर एक प्रसिद्ध स्थल है और यहां की हम पड़ताल करने आए हैं। टाइम टीवी न्यूज़ का काफिला यहां पर मंदिर परिसर में मौजूद है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, इस धार्मिक स्थल के बारे में जानेंगे, क्या यहाँ का इतिहास है, क्या यहाँ की मान्यता है, सीधे इनसे जानकारी लेते हैं। पंडित जी, टाइम टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। विष्णुवरा मंदिर पूरे विश्व और भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, क्या यहाँ की मान्यता है, क्यों ये प्रसिद्ध है? ये जो प्रतिमा है, ये यज्ञ बारह भगवान की प्रतिमा है। भगवान विष्णु का तृतीय अवतार बारह स्वरूप है, जिनके पूरे शरीर में 33 करोड़ देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, सभी देवियाँ, शेषनाग की पत्नी, भगवान विष्णु के 24 अवतार, चारों वेद इस यज्ञ बारह प्रतिमा में अवतरित हैं। ये चारों धाम का मूल धाम है, ब्रह्मांड का केंद्र है और ये पृथ्वीपति बारह भगवान हैं। पुराने समय पे यहाँ की केवदंती कथा बताई जाती थी। लोग कहते हैं कि जो ये बारह प्रतिमा हैं, पास में नारायण सरोवर नरीला तालाब है, उसी सरोवर में 11वीं सदी के समय पे एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए गया था। तो जो ये बारह प्रतिमा हैं, ये उस मछुआरे के जाल में शालिग्राम के रूप में फंस करके आई थी। फिर उसने अपने घर में एक अलमारी में स्थापित कर पूजा अर्चन करता रहा। कारणवश भगवान विष्णु उसकी पूजन से खुश नहीं थे, तो भगवान ने उसको अनेकों चमत्कार दिखाए। चमत्कारों से कष्ट पा करके उसने प्रभु जी से प्रार्थना की। तब भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए, बताया कि मैं विष्णु का तृतीय अवतार बारह स्वरूप हूँ, जो कि मैं तुम्हारे जाल में रसातल से बस के आया हूँ। तो तुम मुझे किसी ऐसे मंदिर में स्थापित कर दो जहाँ मेरी पूजा अर्चन विधिवत किन्हीं ब्राह्मणों संतों के द्वारा हो सके। तब उस मछुआरे ने शालिग्राम रूपी प्रतिमा को ब्रह्मांड के केंद्र में ला करके स्थापित कर दिया। यहाँ पे आने के बाद विधिवत ब्राह्मणों संतों के द्वारा पूजन होने लगी, तो भगवान भी खुश होकर के अवतरित होने लगे। इनके बढ़ने से जो प्राचीन मंदिर था वो ध्वस्त हो गया, गिर गया। तब उन्हीं संतों के द्वारा भगवान के सर में कीलक मंत्रों से कीलन किया गया, जिससे इनका बढ़ना बंद हुआ, प्रभु जी अवतरित हो गए। ये चारों धाम का मूल धाम है, ब्रह्मांड का केंद्र है, ये पृथ्वीपति बारह भगवान हैं। तो यहाँ पे आने के बाद जो भी मन्नत प्रार्थना करो पूरी हो जाती है। लोग कहते हैं कि विष्णुवरा मंदिर की शरण में जाते ही आधे रोग दोष और आधे कष्ट तो दूर हो जाते हैं। हाँ। कितनी सच्चाई? ये बहुत ही दिव्य दरबार है। ये सत्य है कि यहाँ पे जो भी जैसे कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, जमीन से लेकर के, कोई विवाद से लेकर के, कोई रोग दोष हो, कोई भूत बलाय हो, कुछ भी कोई भी प्रकार की टेंशन हो, यहाँ पे आने के बाद में सबकी मन्नत पूरी होती है। ये जो बारह स्वरूप जो आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, ये बारह स्वरूप है, इनके चारों पैरों में चारों वेद विराजमान हैं,
चारों पैरों के बीचों बीच शेषनाग की पत्नी नागकन्या सर्पणी है जी। वो भैया बता रहे हैं वहाँ पे योग नारायण जी, जी, जी। योग नारायण है जी। नीचे शेषनाग की प्रतिमा है जी। इनके मुख में अग्निदेव विराजमान है, छोटा सा स्वरूप है जी। इनके इस वाले गाल में मत्स्य अवतार है जी। उस वाले गाल में हनुमान जी महाराज हैं। पूरे शरीर में जो भी हमारे ऋषि मुनि गंधर्व देवी देवता हैं वो पूरे शरीर में अवतरित हैं जी। ये विष्णु बारह भगवान का ये वह अवतार है जब हिरण्याक्ष इस वसुंधरा माता को चुरा करके पाताल लोक में जब ले गया है तब भगवान का बारह अवतार लेकर के नारायण ने और इस वसुंधरा को पाताल से लेकर के आए थे। ये वह अवतार है और ये वो मूर्ति है जो एक छोटे से शालिग्राम के रूप में एक नरीला तालाब यहीं पास में उस तालाब में मछुआरे के जाल में प्राकट हुई, फंस के आई थी। तो ये छोटे से शालिग्राम के रूप में भगवान ने अपना चमत्कार दिखाकर विस्तार रूप इनका बढ़ा है, इसलिए ये मूर्ति प्रधान है जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं है। अच्छा। और जहाँ भी है तो वो हाथ से बनाई हुई प्रतिमा है, लेकिन ये मूर्ति अनगणित मूर्ति है जिसको किसी ने रचा नहीं। क्या माने कितने पुरानी मूर्ति हो? ये 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। प्रतिमाएँ तो बहुत हैं पर मझौली क्षेत्र में जो स्थापित है कहा जा सकता है कि पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ऐसी प्रतिमा विष्णु वराह जी की काफ़ी प्रसिद्ध है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भक्त आते हैं मनोकामना लेकर के उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप देख रहे थे टाइम टीवी न्यूज, कैमरामैन राजकुमार सेन के साथ जबलपुर। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।